उगता सूरज की तरह मैं भी इस गांव में बिल्कुल रोशनी फैलाएंगे हम भी, और सबसे सच्चे काम करेंगे, झूठे काम के बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो सभी ग्रामवासी हैं ये वोटर नहीं है, ये हमारा परिवार भी है और ये भी हमें अपने परिवार की तरह ही समझते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो पीछे से बजट आता है उसको हल्के में हर बराबर का हिस्सेदारी में दिया जाएगा और आपसी भाईचारे की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और कहीं भी पक्षपात के जैसे विचार हमारे मन में नहीं आएंगे। दादाजी और मेरे पिताजी ने इन गांवों का जितना विकास किया है उन्होंने कभी भी झूठे वादे नहीं किए, उन्होंने केवल काम ही किए हैं जी। नमस्कार, मैं राधिका चुप और आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा। उगते सूरज के साथ नवनीत सिंह सरसाना जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बताना चाहेंगी कि वार्ड नंबर 11 से जिला परिषद प्रत्याशी हैं और साथ ही में क्या जो है विचार रखती हैं, किस तरह के लोगों के लिए कार्य करने वाली हैं। और देख लीजिए इस उगते सूरज को और इनके चेहरे को, आपको भी लग जाएगा अंदाज़ा कि किस तरीके से उगते सूरज के चिन्ह के साथ जो है वार्ड नंबर 11 के सभी गांवों के अंदर जो है विकास होने वाला है। चलिए उनसे आपकी बातचीत भी करवा देते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपको वार्ड नंबर जिला 11 से खड़े होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। पर दर्शकों को आपके चुनाव चिन्ह के बारे में बता दीजिए। हमारा चुनाव चिन्ह है उगता सूरज जी। तो ये बता दीजिए कि परिवार की तरफ से या लोगों की तरफ से कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? देखो जी, हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है मेरे परिवार की तरफ से और वार्ड नंबर 11 के सभी ग्रामवासियों की तरफ से। और जैसे कि आप जानते हो हमारा परिवार 27 साल से राजनीति में ही है, हमें जब से ही लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है और आशा करते हैं कि आगे भी उतना ही हमें प्यार मिलेगा जी। तो आप जो गांव के लोग हैं उनको अपना परिवार समझते हैं या फिर गाँववासी समझते हैं? नहीं, वो हमारा परिवार है 27 सालों से और ऐसे ही आगे समझते रहेंगे उनको। अगर आपको जिला परिषद के वार्ड नंबर 11 से उम्मीदवार बना दिया जाता है तो लोगों के लिए किस तरह के कार्य करना चाहेंगी मैम? देखो जी, सबसे बड़ी समस्या है, मैंने गांव का सर्वे किया है उससे मेरे को पता लग गया कि पानी की समस्या है, खेतों तक पक्के नाले का कोई प्रबंध नहीं है और गाँव में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, शिक्षा के प्रति कोई रुझान नहीं है बच्चों का। और जैसे कि हमारी लड़कियां गांव से शहर की तरफ आती हैं तो उनके लिए बसों का कोई प्रबंध ही नहीं है ना, तो उन मैं चाहती हूं कि उनके लिए स्पेशल बसें वहां से चलवाऊं। और सबसे बड़ी मुद्दा मेरे को ये लगा कि मैंने गांव में देखा है कि बच्चों का खेल के प्रति रुझान तो काफ़ी है परंतु उनके पास सुविधाएँ कुछ भी नहीं है, नाम मात्र ही है। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे गेम के प्रति ज़्यादा रुझान दिखाएँ जिससे वो नशे से भी दूर रह सकते हैं और अपना भविष्य और उनके माता पिता को किसी तरह की चिंता ना हो उनके प्रति। अगर खासियत की बात करूं तो आप में ऐसी क्या खासियत है जो आपको सभी प्रत्याशी से अलग बनाती है? जी, वैसे तो मैं पढ़ी लिखी होनार कैंडिडेट हूं वार्ड नंबर 11 से जी। और दूसरा, हमारे दादाजी चौधरी धर्मपाल सरसाना 27 साल से इन्हीं गांव की राजनीति में लगे हुए हैं और जो खादी बोर्ड के चेयरमैन रहे हुए हैं हरियाणा से। और दूसरा, पिताजी DDA एग्रीकल्चर में थे तो उनको इस चीज़ का अच्छी तरह पता है कि इन्हीं लोगों के बीच में रहे हुए हैं। अगर बात की जाए शिक्षा की तो शिक्षा जब एक शिक्षित व्यक्ति द्वारा फैलाई जाती है तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, जानते हो आप एक शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति में क्या अंतर होता है जी। और एक शिक्षित व्यक्ति ही गाँव की हर समस्याओं को समझ सकता है और इन सबसे बड़ी बात होती है वो इन समस्याओं से कैसे निपटारा निकलवाए अपनी समस्याओं का और फाइल वगैरह होती है पीछे जाती हैं इनको कैसे अप्रूव करवाए, ये एक शिक्षित व्यक्ति ही बता सकता है और वो करवा भी सकता है। क्या लगता है इस बार जिला पार्षद के चुनाव में आपका पलड़ा भारी है? जी जरूर, हमारे दादाजी और मेरे पिताजी ने इन गांवों का जितना विकास किया है उन्होंने कभी भी झूठे वादे नहीं किए, उन्होंने केवल काम ही किए हैं जी। तो इससे ज़्यादा और बड़ा सबूत क्या मिल सकता है आपको जी। जैसे कि उगता सूरज जो है आपका चिन्ह भी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उगता सूरज की तरह मैं भी इस गांव में बिल्कुल रोशनी फैलाएंगे हम भी और सबसे सच्चे काम करेंगे, झूठे काम के बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम जी। और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं लोगों से ये अपील करती हूँ कि आपके प्यार और सहयोग से ही हम आगे बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों का सपोर्ट मिले हमें। तो ये थी हमारे साथ नवनीत सरसाना जी, जिन्होंने इस बार जिला पार्षद वार्ड नंबर 11 संभालने की जिम्मेवारी ली है और साथ ही में किस तरीके से जो है अपने परिवार और अपने दम पर, यानी जो शिक्षा के दम पर जो है लोगों के बीच में संचार फैलाना चाहती हैं और उगते सूरज के साथ जो है रोशनी भी फैलाना चाहती हैं। और अंत में इनका यही कहना है कि
आप जितना सपोर्ट करेंगे, आप जितना जो है सहयोग देंगे, उसी से जो है हम जिला पार्षद के जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान कर पाएंगे।